Let's talk about some basic questions on coordinate geometry. The first question here is find the distance between the points. Points ke beech ka distance nikalna hai. Distance formula, we already know that distance between two points is given by the formula x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square. So by using this formula, I can say ye aa jayega aapka kisi ko bhi we can have x1, kisi ko bhi hum x1 x2 le sakte hain, usse farak nahi padta hai. Because distance AB bolo ya BC bolo, सेम ही आने वाला है. और यह हो जाएगा माइनस टेन माइनस ऑफ माइनस प्लस फाइव, राइट. तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट में माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर विच इज 144 एंड माइनस फाइव का होल स्क्वायर दैट इज 25, दिस गिव यू 169. तो आपका आंसर आ जाएगा 13 यूनिट्स. सो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 13 यूनिट्स. नेक्स्ट यू हैव कंप्यूट द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. हमें स्लोप निकालना है इस लाइन का जो इन दो पॉइंट से पास होती है. स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो माइनस वन माइनस फोर अपॉन एक्स टू, एक्स टू इज थ्री, माइनस ऑफ माइनस वन. दिस विल बिकम माइनस फाइव एंड दिस विल बिकम थ्री प्लस वन. तो स्लोप आपका आ जाएगा माइनस फाइव बाय फोर. तो इस टाइप से वी कैन कैलकुलेट द स्लोप. Now we have if the three given points so are collinear, find the value of k. K का वैल्यू क्या होगा? मुझे पता है अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनका स्लोप बराबर आता है, हमने पढ़ा था कंडीशन. तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी. और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. थर्ड पॉइंट आ गया तो थ्री, और अगर टू कोऑर्डिनेट्स उसके तो वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू. एंड अगर बात की जाए, एक फॉर्मूला था अपना कि अगर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लिया जाए तो इस टाइप से उनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए, राइट. ये क्या है, ये तीन पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2 और थर्ड पॉइंट है आपका x3 y3. सो इसका अगर यूज किया जाए तो y2 minus y1 अगर देखा जाए तो माइनस वन माइनस सेवन, राइट. ये आ जाएगा ऐसा कुछ. सो y2 और y1 की वैल्यू डाली जाए तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस वन माइनस सेवन अपॉन में आ जाएगा x2 टू माइनस एक्स वन, दिस बिकम k प्लस फोर. फिर y3 की बात की जाए तो y3 आपका 11 बाय फाइव है. सो 11 बाय फाइव माइनस y2 आपका माइनस वन था तो प्लस वन हो जाएगा. अपॉन में आ जाएगा x3 यानी कि 1 बाय फाइव माइनस k. और फिर y3 की बात की जाए सो 11 बाय फाइव माइनस सेवन, और नीचे आ जाएगा आपका x3 थ्री माइनस एक्स वन, तो दिस गिव यू 1 बाय फाइव माइनस माइनस हो गया प्लस फोर. सो इन शॉर्ट आपको मिल रहा है माइनस एट अपॉन के प्लस फोर इज इक्वल्स टू 11 प्लस फाइव, दिस गिव यू 16 अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस फाइव के डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल्स टू 35 माइनस 11 इज माइनस 24 अपॉन फाइव, एंड आपको मिल रहा है 21 अपॉन फाइव. फाइव बाय कट हो जाएगा. सो इन शॉर्ट मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है माइनस के एट अपॉन k प्लस फोर इज इक्वल्स टू, मैं थर्ड कंपेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली, माइनस 24 अपॉन 21. बीच वाला किसी काम का नहीं, हमें तो k निकालना है तो कहीं से भी निकालो. सो आई कंपेयर्ड फर्स्ट एंड लास्ट, ये वन जा, ये हो गया थ्री जा, वन जा एंड सेवन जा. सो आई सिंपली गॉट k प्लस फोर इज सेवन, देयर फोर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा थ्री. जब k का वैल्यू थ्री होगा तो ये तीनों पॉइंट कौन से हो जाएंगे, कोलिनियर. यहाँ पे आप एरिया वाला कंडीशन भी लगा सकते हो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी जीरो, यहाँ से भी आंसर मैच करेगा. Then you have find the coordinates of the point P which divides the line segment joining A and B in the ratio 3 and 4, 3 is to 4 internally. So, two points given. Point A ke coordinates hain 2, 4. Point B ke coordinate humko diye hain 3, minus 3. Aur ek point P dhoondna hai jiska ratio humko diya hua hai 3 is to 4. Ye distance 3 is to 4 diya hua hai. ये मैंने पढ़ाया था कि जो ए से नपा हुआ डिस्टेंस होता है वो बी में मल्टीप्लाई होगा, और जो बी से मेजर किया हुआ डिस्टेंस है पी का वो ए में मल्टीप्लाई होगा. सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आई कैन से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पी की 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 और डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस 4. तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 7. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 7, या कब एक्स का वैल्यू आ गया. वैसे अगर वाई की बात करें तो वाई के लिए हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 4 बिकॉज m प्लस n होता है. फॉर्मूला बताइए आपको.
तो वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस नाइन प्लस सिक्सटीन, यानी कि सेवन अपॉन सेवन, दिस गिव यू वन. तो वाई का वैल्यू आपका आ गया वन. यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी कोऑर्डिनेट्स उसके हैं 17/7, 1, राइट. देन यू हैव फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल हुज, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल विच हैज 5, 12 एंड 3, -8 एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर. एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया है और बोला बताइए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. वो तो बहुत ही आसान है, मिड पॉइंट निकालना है इनका मतलब है. और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड साथ में हो जाएगा y1 + y2/2. तो आपको मिल जाएगा 8/2 = 4 एंड 4/2 = 2. सो सेंटर जो है O, उसके आ जाएंगे कोऑर्डिनेट 4, 5, 4, 2. Then you have find the centroid of the triangle formed by the vertices so and so. Centroid ka formula kya hota hai? x1 + x2 + x3/3 and y ka formula ho jayega y1 + y2 + y3/3. Using this formula we can calculate the centroid. Aur centroid yahan pe filhal aapko mil jayega -1 + 5 + 5/3, 3 - 2 - 4/3. राइट. सो जी का वैल्यू आ जाएगा 10 - 1 यानी कि 9, 9/3 और मिल जाएगा -3/3. तो सेंट्रॉइड मिल जाएगा आपको 3, -1. राइट. देन यू हैव फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स सो एंड सो. हमें निकालना है एरिया. एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया जा चुका है आपको प्रीवियस वीडियो में. 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x1 y1. उसके बाद आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बताया गया था कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव होगा. और याद करने के बता दूँ ये कोई भी पॉलीगॉन पे एप्लीकेबल होता है, बस पॉइंट डालने होते हैं ऑर्डर में. सो 1/2, 1 और -1, -1 and 4. 4 and 6 एंड देन वी हैव 1 and -1. फर्स्ट रिपीट किया, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 mod of, यू विल गेट 4 एंड देन यू विल गेट, फॉर्मूले में माइनस है और ये आ जाएगा 1. देन यू विल गेट -6 एंड देन यू विल गेट -16. फिर आपको मिलेगा -4 और फॉर्मूले में माइनस आता है तो यहाँ आ जाएगा -6. ऐसा कुछ मिलेगा. ऑब्जर्व किया जाए तो ये +4 - 4 कैंसिल हो गया, आपको मिल रहा है अल्टीमेटली 1/2 mod of 16 और 12 28 29. -29 मॉड लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 29/2 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट. एक और चीज याद रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कई बार क्या होता है, पॉइंट आपको ऐसे नहीं दिए होते हैं, आपको पॉइंट दिए होते हैं इस टाइप के, बोला 0, 0, 0, 4 and 3, 0. ये तो पॉइंट बहुत आसान हो जाएंगे. एक हो जाएगा ओरिजिन, एक हो जाएगा एक्स एक्सिस पे और एक पॉइंट हो जाएगा वाई एक्सिस पे. इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, 1/2 base into height. तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले की जरूरत है. दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट कि ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है. तो एरिया आ जाएगा 1/2 base into height, इससे आ जाएगा 6. दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल. इफ द पॉइंट्स 1, 3, 2, 4, 5, -2 और 3 vertices ऑफ अ पैरेलोग्राम, फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स ढूंढना है. अगेन यहाँ पे हमको ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो जितने केस पॉसिबल बन सकते हैं वो सब निकालना पड़ेंगे. सो मान लिया लेट्स से 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट तो कोलिनियर नहीं होंगे, कहीं भी हो सकते हैं. सो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि ये वाला पॉइंट 1, 3 है, दिस इज 2, 4 और ये पॉइंट दिया हुआ है 5, -2. ठीक है, चौथा पॉइंट कहाँ हो सकता है, ये एक सोचने वाला केस होगा. तो फिलहाल ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस. अब चौथा पॉइंट कहाँ हो सकता है, फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ तो इधर हो सकता है, या फिर ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, या फिर पॉइंट यहाँ भी हो सकता है. तो पैरेलोग्राम ये भी पॉसिबल है. पैरेलोग्राम अगर देखा जाए, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, ये पैरेलोग्राम भी पॉसिबल है, राइट, और पैरेलोग्राम फिर यहाँ भी पॉसिबल है. तो उस केस में आपने ऐसा कुछ ले लिया, तो तीन टोटल केस बन सकते हैं. और तीनों केस कौन कौन से होंगे, सबसे पहला नाम दे देते हैं, लेट्स से ए, फिर बी, उसके बाद फिर सी और फिर डी. तो एक बन सकता है ए बी सी डी, एक बन सकता है ए, उसके बाद बी, उसके बाद
ई और फिर सी, ये अपना पॉइंट ई हो गया। और एक बन सकता है ए फिर सी फिर बी और लेट्स से फिर एफ, ये भी पैलोग्राम ही है ना। तीन केस पॉसिबल है, तीनों के अंदर अपोजिट का समीशन इक्वल आना पड़ेगा। सो फर्स्ट केस जो है ए बी सी डी, फर्स्ट केस जो है ए बी सी डी, इसमें अगर हम बात की जाए सो ए और सी का समीशन बी और डी के बराबर होना चाहिए। ए और सी का समीशन सिक्स आ रहा है तो तुरंत निकालेंगे, अब बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका है डिटेल में इसको। तो ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट का समीशन सिक्स बन रहा है, सो बी और डी के एक्स का समीशन भी सिक्स बनना चाहिए, तो पॉइंट आ जाएगा फोर। वाई कोऑर्डिनेट का समीशन बन रहा है वन, और यहाँ पे बी और डी का भी बनाना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट का समीशन, तो ये रखना पड़ेगा माइनस थ्री। दूसरा केस ए बी ई सी की बात की जाए, तो अब ए और ई का समीशन जो आएगा वो बी और सी के बराबर होना चाहिए। बी और सी का समीशन आ रहा है सेवन, तो देयरफॉर अगर हम सेकेंड केस की बात करें, ए बी ई सी अगर पॉइंट होता, पॉइंट इस तरफ होता, तब वो एक पॉइंट पॉसिबल हो सकता है कि बी और सी का समीशन सेवन आ रहा है, तो ए और ई का सेवन लाने के लिए मुझे रखना पड़ेगा सिक्स। बी और सी का वाई कोऑर्डिनेट का समीशन टू आ रहा है, टू का लाने के लिए मुझे ई रखना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट में माइनस टू, ना टू लाना है ना, तो रखना पड़ेगा माइनस वन। और तीसरा केस अगर बात करें कि अगर ए सी बी एफ है, सो ए सी बी एफ में ए और बी का समीशन सी और एफ के बराबर होना चाहिए। ए और सी का समीशन आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का थ्री, तो एफ को रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे थ्री लाने के लिए माइनस टू। और अगर बात करें बी और ए का वाई कोऑर्डिनेट का समीशन बन रहा है सेवन, सेवन लाने के लिए एफ रखना पड़ेगा मुझे नाइन। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, एफ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस टू कॉमा नाइन, ई के हो जाएंगे सिक्स कॉमा माइनस वन, और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे फोर कॉमा माइनस थ्री। ये तीन पॉसिबल केस बन सकते हैं, राइट। तो तीन पॉसिबल केस मतलब यहाँ पे आई कैन हैव थ्री पॉसिबिलिटी। सो एक तो पॉसिबिलिटी ये कि ये मेरा पैलोग्राम बन जाए, राइट। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि पैलोग्राम जो है मेरा वो ये वाला बन जाए, रेड वाला। और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा पैलोग्राम जो है वो कुछ और बन जाए, लेट से ये वाला। तो तीन केस बन सकते हैं, तीनों केस में आपके आंसर निकल सकते हैं।